Parents who use this technique often rely on threats, punishments, and scare tactics to discipline their children to perform better or achieve certain goals. जी नहीं समझ में आया चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ पर्स करें एक कोई गैदरिंग है और उसमें आपका बच्चा जो है वो खुद खाना खाना चाह रहा है और आपको ये डर है कि वो अपने सारे कपड़ों पे गिरा लेगा अपने कपड़े गंदे कर देगा मैस क्रिएट करेगा या वो गिरा देगा तो ये आपकी फियर है और उस फियर की वजह से आप उसको ख़ुद खाना खाने से मना कर देते हैं या उसको खुद खाना खाने नहीं देते और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये बच्ची स्विमिंग पूल में सब बच्चों के साथ खेलना चाह रही है लेकिन मदर जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रही अगर आप इस डर का शिकार हैं कि कहीं बच्ची मेरी डूब ना जाए और या फिर ये कि ये इसको कोई नुकसान ना पहुँचे तो इस वजह से आप उसको अलाउ नहीं करते तो ये भी फेयर बेस्ड पेरेंटिंग की एक मिसाल है यहाँ एक मिसाल और देख लें कि अगर आप अपने बच्चे को सारे दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होने नहीं देते खेलने नहीं देते सिर्फ इस डर से कि वो कहीं बैड मैनर्स ना सीख ले या वो उनके साथ खेल कर कपड़े गंदे कर लेगा या वो उसको चोट लग जाएगी तो ये सारी फियर बेस्ड पेरेंटिंग की एग्जाम्पल्स हैं इन सब की बजाय अगर आप अपने बच्चे को हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं और उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते उसको अंडर टू मच सुपरविजन रखते हैं तो ये भी एक एग्जाम्पल है फ़ियर बेस्ड पेरेंटिंग की कि जिसमें आपको ये डर होता है कि हमारा बच्चा हमारी नज़रों से इधर उधर हुआ तो ये कुछ ना कुछ अपने आप को हर्ट कर लेगा या इसको कुछ नुकसान पहुँच जाएगा तो ये भी एक एग्जाम्पल है फ़ियर बेस्ड पेरेंटिंग की तो जनाब ये सब कुछ अगर आप कर रहे हैं तो इससे नुकसान क्या होगा हाउ डज़ फ़ियर बेस्ड पेरेंटिंग अफेक्ट अवर किड्स तो आइए जानते हैं फर्स्ट इज़ एन्जाइटी एंड डिप्रेशन फ़ियर बेस्ड पेरेंटिंग कैन कॉज चिल्ड्रन टू फील एंशस एंड स्ट्रेस्ड आउट कॉन्स्टेंट थ्रेट्स एंड पनिशमेंट्स कैन लीड टू फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ़ स्टीम this can result in anxiety and depression which can have long term effects on a child's mental health आपका बच्चा हर वक्त की रोक टोक और पनिशमेंट्स और कॉन्स्टेंट uh, थ्रेट्स uh, की वजह से हर वक्त इनसेटी का शिकार रहता है और उसके अंदर ख़ुद एतमादी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है और उसका Uh, उसकी जहनी कारदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एटानमी फियर बेस्ड पेरेंटिंग कैन ऑल्सो स्टिफल अ चाइल्ड्स अटोनमी वेन चिल्ड्रेन आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन फीयर दे मे बिकम टू अप्रेड टू मेक डिसीजन ऑन और टेक रिस्क ऑन देयर ओन दिस कैन लीड टू अक ऑफ़ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जना लैक ऑफ अटोनमी मीनस के अगर आप हर वक्त बच्चे के ऊपर एक हर नज़र रखेंगे उसको अंडर प्रेशर रखेंगे और आ, आ, वो एक खौफ के माहौल में रहेगा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए मैं कुछ गलत ना कर दूँ तो फिर वो उसके अंदर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस यानी वो कभी भी इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकेगा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा तो उसको इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेने दें डिफिकल्टी इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स चिल्ड्रेन हु ग्रो अप इन अफियर बेस्ड पेरेंटिंग एनवायरनमेंट मे हैव ट्रबल बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स लेटर इन लाइफ दिस इज बिकॉज दे मे स्ट्रगल विद ट्रस्ट एंड हैव डिफिकल्टी कनेक्टिंग विद अदर्स ऑन एन इमोशनल लेवल तो जनाब अगर आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होने देंगे तो वो पूरी लाइफ उसके लिए अपने रिलेशनशिप्स बनाने के लिए उस उसमें इतम नहीं आएगा तो उसको मिक्सअप होने दें दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने फेयर बेस पेरेंटिंग can also have a negative impact on a child's brain development research shows that prolonged stress can affect the development of brain's prefrontal cortex which is responsible for emotional regulations decision making and impulse control तो अगर आपका बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड ला के और आपको शो कर रहा है और उसमें उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो आपका ये फियर कि जी अगर इस बच्चे ने अब कुछ ना किया तो ये सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकेगा तो ये फियर जो है ये बच्चे के जहन पे बहुत बुरा बुरा अफेक्ट डालता है और वो फिर वाकई ही सारी ज़िंदगी अंडर स्ट्रेस रहने की वजह से उसका माइंड जो है वो नहीं डेवलप कर पाता और उसके माइंड की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है वट कैन वी डू इंस्टेड अब हमें क्या करना चाहिए तो चलें देखते हैं कि इस सिलसिले में आप अपनी अप्रोच को कैसे चेंज कर सकते हैं सबसे पहले तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट टेक्निक को अपनाएं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फ़ियर टू डिसिप्लिन अवर चिल्ड्रन, वी कैन यूज़ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट बाय बाई प्रेजिंग गुड बिहेवियर एंड इनकरेजिंग अवर चिल्ड्रन, वी कैन क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वामेंट दैट फॉस्टेस पॉजिटिव डिवेलपमेंट आप उनके अच्छे काम को सराहें उनकी अच्छी बातों को ज़्यादा डिस्कस करें बजाय इसके कि उनके वीक एरियाज़ को हर वक्त उनके सामने ज़िक्र कर करके और उनको डराते रहें और उनको पनिशमेंट कर देते रहें तो इस तरह से पॉजिटिव री से बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है Open communication is essential to healthy parent-child relationships. By listening to your uh, your child and being empathetic towards them, uh, towards their feelings, we can create a safe space for them to express themselves. उनकी बात सुने, बच्चे की बात सुनेंगे तो आपको उसका अंदाजा होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है और uh, वो क्या सोच रहा है और इस वक्त उसके ज़िन्दगी में क्या चल रहा है। अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे और हार्श वर्ड्स में एकदम से उसको अंडर प्रेशर कर देंगे तो कि ये क्या किया तुमने ये चीज़ उनको हमेशा के लिए उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है और उसका जो असर है उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा होता है टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन हेल्प दैम डिवेलप द कॉन्फिडेंस टू मेक डिसीजनस ऑन देयर ओन दिस विल हेल्प दैम बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलयंट छोटी छोटी बातों पर बच्चे को रोक टोक की बजाय उसको इंडिपेंडली इंडिपेंडेंटली डिशिजन्स लेने दें छोटी छोटे डिशिजन्स वो खुद ले कि जिससे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी एन ऑल्टरनेटिव टू फ़ियर बेस्ड पेरेंटिंग फ़ियर बेस्ड पेरेंटिंग में क्या होता है इट रेडिएट्स एनजाइटी एंड डाउट इट सेंड्स योर चाइल्ड अ मैसेज दैट द वर्ल्ड इज डेंजरस एंड दे नीड टू बी वेरी अफ्रेड जबकि नॉन एंशियस पेरेंटिंग स्टाइल क्या है कि इट एक्स्यूट्स काम करेज एंड कॉन्फिडेंस अ नॉन एंशियस पर्जेंस डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप वर्िंग अबाउट योर चाइल्ड इट मीन्स टू स्टॉप ओवर रिएक्टिंग एंड गेन कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज टू हैंडल चैलेंजेस यानी ये नहीं है कि आप उसके बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दें बच्चा जो भी कर रहा है उसके ऊपर खुश रहें और उसको हर हाल में एक्सेप्ट करें यह नहीं है इसका मतलब लेकिन Uh, अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है तो उसके ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें और छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बच्चे के सामने ड्रा धमका के ना पेश करें रिमेंबर काम इज़ कंटेजियस वेन यू शेयर मैसेज दैट इन स्टिल कॉन्फिडेंस एंड काम यू हेल्प योर चाइल्ड टेक हेल्दी रिस्क एंड ग्रो इस दुआ के साथ कि आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने ग्रो करता हुआ आपको नज़र आए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़